पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलवामा में आतंकी हमले के खिलाफ शहरवासियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति और पीड़ित परिवारों को दुख सहने के लिए शहर में जगह जगह प्रार्थना सभा हुई। साथ ही पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कंपनी बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और प्रार्थना की गई। इस दौरान सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलने की बात कही गई। बकरा बैठेगा भूलता तो बैठा बड़ा अगर इस बारे खंडा करी और इस पैसा किया लगा तार लगा ले लिया मेरा बक्सा नहीं जाएगा। जय हिंद जय भारत। करें हिमायत पाक की रहते भारत देश में, उनको भी दे दो दे दीजिए एक कड़ा संदेश। एक कड़ा संदेश पाक यदि तुमको प्यारा, तो छोड़ो भारत देश यहाँ से करो किनारा। अब तक झेला बहुत आखिरी तुम्हें हिदायत, रहना है यदि यहाँ यहीं की करो हिमायत। भारत माता की सानी उसको पूरी सजा देनी चाहिए और हमें धैर्य और विश्वास अपने प्रधानमंत्री जी पर रखना है। वो लगातार कह रहे हैं कि ऐसी बड़ी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान 7 जन्मों तक याद रखेगा। तो हमें अपना प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर पूरा विश्वास है कि ऐसी कार्रवाई होगी ये पाकिस्तान समाप्त होगा। ये जो नासूर है पूरे वर्ल्ड के लिए पूरे विश्व के लिए, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। और उसने ऐसा छेड़ा है हमें, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ये गलती कर चुके, करनी है कल कर चुके, तो ये वीरों की भूमि है। शहीदों के खिलाफ हमारी श्रद्धांजलि और संकल्प वही होगा कि हम सब मिलके जो भी कदम मोदी जी उठाए हम उसमें सहयोग करें और हमारे क्षेत्र में जो भी यहाँ लोकल में अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है तो हम उसमें प्रशासन की मदद लेकर उसको समाप्त करने का प्रयास करें। सही संकल्प वही है कि जो भी हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जो भी कदम उठाए हम सब मिलकर उनका सहयोग करेंगे और जितना भी हमारे मन की बात हो उतना हम अपने स्तर पर यहाँ शांति भी बनाए रखेंगे और उनका सहयोग भी करते रहेंगे। आप सब लोगों ने विचार रखे, सब लोगों की भावनाएं हैं, सबकी एक ही जैसी भावनाएं हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिला मुरादाबाद की तरफ से और महानगर की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया आतंकवाद के खिलाफ संकल्प, और इस कार्यक्रम में यहाँ 11 बजे से 1 बजे तक हम सब कार्यकर्ता बंधु इकट्ठा हुए, अपने अपने विचार सबने रखे हैं और सभी ने जो सैनिक हमारे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया है। जिले और महानगर का कार्यक्रम रहा, इतनी कम भीड़ देखी और भाजपा के सभी पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं को बुलाया, कोई आम भीड़ तो नहीं हम लोगों ने बुलाया, सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया जी। लेकिन कुछ नदारद रहे, कुछ नहीं पहुंचे, न महिला मोर्चा दिखाई दिया, न महिला मोर्चा, पार्षद सभी नहीं नजर आए, सभी 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 कार्यकर्ता उपस्थित थे।